हेलो दोस्तों, मैं हर्ष कृष्णा डिजिटल स्कूल की तरफ से आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ ईट मूव स्लीप बुक की हिंदी ऑडियो बुक समरी। ये बुक टॉम राट के द्वारा लिखी गई है। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे मेरा अगला वीडियो आपको आसानी से और जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ईट मूव स्लीप और इसके ऑथर है, लेखक है टॉम राट। अपनी अनहेल्दी हैबिट्स को खत्म करें। आपने अपनी लाइफ में कितनी तरह की डाइट्स ट्राई की है? हम में से कई लोगों ने किसी न किसी समय कम से कम एक बार तो स्ट्रिक्ट ईटिंग प्लान को फॉलो करने की कोशिश की होगी, और हम में से कितने लोगों को लॉन्ग टर्म में इसका फायदा मिला? शायद बहुत कम। हम में से कई ने तो इसे आधे रास्ते में छोड़ दिया होगा, जबकि कुछ सिलेक्टेड लोगों ने इस तरह के प्रोग्राम को कम्प्लीटली फॉलो करने के ठीक बाद वापस अपनी अनहेल्दी हैबिट्स पर आ गए होंगे। तो ऐसा करने की जगह हमें क्या करना चाहिए? टॉम राट के व्यूज पर बेस्ड ये बुक समरी हमें बतलाएगी कि कैसे उसने एक लंबे समय तक सीरियस बीमारी से जूझते हुए एक हेल्दी और प्रॉस्परस लाइफ बिताई। ये हमें बतलाती है कि कोई भी लंबे समय में हेल्दी बन सकता है, आपको बस सही खाने, सही चलने और क्रूशली सही नींद पर फोकस करने की जरूरत है। इस बुक समरी में आप जानेंगे क्यों जब सही तरह से खाने की बात आती है तो क्वालिटी क्वांटिटी से बेटर हो जाती है। यदि आप पूरा दिन चेयर पर बैठते हैं तो जिम जाना क्यों बेकार है, और क्यों शुगर आपको धीरे धीरे खत्म कर रही है। चैप्टर 1। लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस का बड़ा इम्पैक्ट होता है और इससे लॉन्ग लाइफ जीने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत से लोग खुद की केयर तब तक शुरू नहीं करते हैं जब तक कि उनका डॉक्टर उन्हें ऐसा करने को ना कहे। डॉक्टर के कुछ शब्द जैसे आप आउट ऑफ शेप हो रहे हैं, या शेप में आने की कोशिश कीजिए नहीं तो रिटायरमेंट तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। यदि आप इस ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन से बचना चाहते हैं तो इससे पहले कि डॉक्टर आपको एडवाइस करे, इस सिंपल एडवाइस पर ध्यान दें। हेल्दी लाइफस्टाइल जीना आसान नहीं होता है। सोडा, फ्राइज जैसी चीजों को ना कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसी चीजों की टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जितनी जल्दी आप अपनी बॉडी को सही तरीके से ट्रीट करना शुरू करते हैं, उतना ही ज्यादा आपके लॉन्ग और हेल्दी लाइफ जीने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट गॉथेनबर्ग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने यह पाया कि 90% पॉपुलेशन कम से कम 90 साल या उससे अधिक उम्र तक जी सकती है। बस कुछ इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल चॉइसेस सही करनी है। आप अपने एनर्जी के लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, ऑफिस में अपनी पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, रात में बेहतर नींद ले सकते हैं सही खाना लेकर और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट से शुरू करके। ये सच है कि हमारी हेल्थ पार्टली हमारे जीन से डिटरमाइन होती है, लेकिन हमें अपने जेनेटिक की परवाह किए बिना हेल्दी आदतों को डेवलप करना चाहिए। आप अपना डीएनए नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, और आपकी लाइफस्टाइल का आपके जीन्स पर प्रभाव पड़ता है। टॉम राट ऑथर इस बात का एक एक्सट्रीम केस है। जब वो केवल 16 वर्ष के थे तो उनमें वॉन हिपल लंडाउ यानी कि VHL नामक एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर का पता चला। इस बीमारी में ये डिसऑर्डर बॉडी में डेवलप होने वाले किसी भी तरह के ट्यूमर को सप्रेस करना बंद कर देता है, जिससे पूरे शरीर में कैंसर डेवलप हो जाता है। ऑथर ने हार मानने के बजाय इस पर फोकस किया कि वो इसे कैसे कंट्रोल कर सकता है, डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप को सही करके। उसने सीखा कि कैसे कैंसर को बढ़ने से रोका जाए और एक लॉन्ग और हेल्दी लाइफ जीने में कामयाब रहे। यहां तक कि अगर आप में मोटा होने वाले जीन्स है, फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज इसे 40% तक कम कर सकती है। चैप्टर 2। अपने हर बाइट पर ध्यान दें। प्रोटीन ज्यादा और एम्प्टी कार्ब्स कम खाएं। राइट डाइट को मेंटेन रखना थोड़ा मुश्किल काम है। आप हमेशा न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए फूड लेबल्स को चेक कर सकते हैं, लेकिन यह करना काफी नहीं है। यदि आप वास्तव में हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको अपने फूड के बारे में और अधिक डीपली सोचना होगा। किसी भी चीज का बाइट लेने से पहले आपको अपने आप से क्वेश्चन करना होगा, क्या ये न्यूट्रिशनल वैल्यू के बेस पर नुकसानदायक या फायदेमंद है। जब लोग डाइटिंग करते हैं तो अज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि वो अगर कुछ दिनों तक इसे करेंगे तो इतना वजन कम कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वे 2 महीनों के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करके 10 पाउंड वजन कम कर लेते हैं, लेकिन इस तरह की डाइट शॉर्ट टर्म होती है। हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए इस तरह की डाइट्स आपके लिए काफी नहीं है। लॉन्ग टर्म तक हेल्दी ईटिंग का मतलब है कि आपको अपने लिए डिटरमाइन करना है कि क्या आपके फूड का की बॉडी पर पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, और इसका मतलब उन सभी चीजों पर विचार करना है जो इसमें शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, एक हेल्दी सैलड नेट लॉस हो सकता है यदि आपने इसमें फ्राइड चिकन या बेकन मिला दिया हो। रात को अपनी फेवरेट डिश सैल्मन बारबेक्यू सॉस के साथ लेने पर रियलाइज हुआ कि ये उसके लिए नेट लॉस है। सॉस में शुगर होती है जो कि उसके लिए हेल्दी नहीं है, तो उसने सैल्मन को सॉस के बिना खाना शुरू कर दिया और अपने नेट लॉस को नेट गेन में बदल दिया। साथ ही अब जो भी कुछ खाते हैं उसकी क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि क्वांटिटी। केवल कैलोरीज काउंट करने पर रिलाय ना करें। आपका फूड इन सब की तुलना में और भी बहुत कुछ है। कुछ मिलाकर अपने फूड को रेशियो के बेस पर खाना शुरू करें। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के रेशियो में कम से कम 1 ग्राम प्रोटीन खाने की कोशिश करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन बेकन और सॉसेजेस खाएं।
प्रोसेस्ड मीट आपकी प्रोटीन्स की लिस्ट में सबसे लास्ट होना चाहिए। इस बीच कुछ फूड आइटम्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि पोटैटो चिप्स जिनमें 1 ग्राम प्रोटीन के रेशियो में 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। चैप्टर 3, अपने इनएक्टिव टाइम को लिमिट करना एक्सरसाइज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब एक्टिव रहने की बात आती है तो हर 2 दिन में जिम जाना सफिशिएंट नहीं है, आपको अपनी इनएक्टिविटी को भी लिमिट करना होगा। आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में ज्यादा देर तक इनएक्टिव रहना भी एक रिस्क है, क्योंकि लोगों के पास बहुत सारे काम होते हैं जिनके लिए उन्हें एंटायर डे डेस्क पर बैठना पड़ता है। ये सारा समय केवल हमारे अन्य इनएक्टिव आवर्स में ऐड हो जाता है, जैसे हमारे सोने का समय, कहीं ड्राइविंग करते हुए या टीवी का टाइम। अपने लंबे टाइम के इनएक्टिव आवर्स को रिड्यूस करना शॉर्ट एक्सरसाइज सेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ द्वारा 2,40,000 लोगों पर की गई एक रिसर्च में पाया गया कि जो एडल्ट सबसे अधिक समय तक बैठे रहते हैं उनकी मोर्टैलिटी रेट 50% से ज्यादा होती है। वीक में 7 आवर्स की एक्सरसाइज भी इसे कम करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। यदि आप दिन में 6 घंटे से ज्यादा समय तक बैठते हैं तो आपकी डेथ के रिस्क स्मोकिंग के रिस्क के बराबर या सनलाइट में ओवर एक्सपोज होने के बराबर है। आपके 2 आवर्स की सिटिंग से कोलेस्ट्रॉल 20% तक कम हो जाता है और आप 1 मिनट में केवल 1 कैलोरी बर्न कर रहे होते हैं। इसलिए अपनी हैबिट्स को एडजस्ट करके अपने रूटीन में एक्टिव रहने की कोशिश करें। ये इरेगुलर एक्सरसाइज से ज्यादा इफेक्टिव और इजी भी है। छोटे से शुरू करना ठीक है। शेप में आने का विचार थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन लिफ्ट के बजाय स्टेयर्स को यूज करना आसान है। हर काम एक अपॉर्चुनिटी की तरह है जो आपके दिन में कुछ और एक्टिविटीज को फिट करने का चांस देता है। और घर पर भी एक्टिव रहे। अधिक एक्टिव लाइफस्टाइल डेवलप करने के लिए घर सबसे कन्वीनियंट जगह है। ट्रेडमिल, इलेप्टिकल मशीन या ऑनलाइन वीडियोस के साथ एरोबिक्स करना शुरू करें। इसके अलावा अपने टीवी के टाइम को कट करने की कोशिश करें। जो लोग डेली 4 घंटे से ज्यादा टीवी देखते हैं उनमें कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी डबल हो जाती है। चैप्टर 4, प्रॉपर नींद लेना हेल्दी और प्रोडक्टिव रहने का एक क्रूशियल पार्ट है। आजकल बहुत कम लोग प्रॉपर नींद लेते हैं। श्योर, हम सभी बिजी रहते हैं, लेकिन नींद एक ऐसी चीज है जिसे आपको कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि जो लोग कम सोते हैं वे हार्ड वर्किंग है, वे पूरी रात जागते हैं क्योंकि वे बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है। नेक्स्ट मॉर्निंग के प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए सुबह 5 बजे तक जगे रहना डेडिकेशन की तरह लग सकता है, लेकिन ये वास्तव में काफी अपोजिट है। आप उस दिन कम अलर्ट रहते हैं जब आप रात को ठीक से सोए नहीं, इसलिए आपकी प्रेजेंटेशन लगभग उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी नींद लेने पर होती। इनफैक्ट स्टडीज से पता चलता है कि सिर्फ 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे की नींद खोने से आपकी अलर्टनेस 1/3 कम हो जाती है। इसे आप इस तरह से सोचें, आपके अपने प्लेन को कौन उड़ाएगा? एक अच्छी तरह से आराम करके आया हुआ पायलट या वो पायलट जो पूरी रात लैंडिंग टेक्निक्स की स्टडी कर रहा था? एक अनफॉर्चुनेट रीजन है कि हम में से ज्यादातर लोग प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं। हमारे फास्ट पेस्ड सोसाइटी में नींद को वीकनेस के साइन के रूप में देखा जाता है। ऑथर ने एक बच्चे के रूप में अपने पेरेंट्स से यही सीखा था, इसलिए अपनी टीनेज में वो देर रात तक जागता था जबकि वो कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहा होता था। धीरे धीरे इस हैबिट ने उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को अफेक्ट किया। उसे जल्दी सोना गलत या लेजी लगा। सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग लोगों में वास्तव में हेल्दी नींद की हैबिट होती है। आपने उस फेमस स्टडी के बारे में सुना होगा जिसमें बताया गया था कि किसी भी चीज में ब्रिलियंट बनने के लिए 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ही स्टडी में ये भी पाया गया कि टॉप परफॉर्मर्स हर रात को एवरेज 8 घंटे और 36 मिनट की नींद लेते हैं। 8 hours and 36 minutes एवरेज स्लीप। कंपैरेटिवली एवरेज अमेरिकन केवल 6 घंटे और 51 मिनट्स होते हैं, यानी कि 6 hours and 51 minutes। नींद आपके गोल्स तक पहुंचने का एक वाइटल पार्ट है, इसलिए इसे लेजीनेस के रूप में देखना बंद करें। चैप्टर 5, शुगर एक सीरियस हेल्थ हजार्ड है और इसे कंट्रोल्ड सब्सटेंस की तरह ट्रीट करें। क्या आप अपने बच्चे को सिगरेट देंगे? शुगरी स्नैक के बारे में क्या कहेंगे? आप पहले क्वेश्चन के लिए यस और दूसरे के लिए नो का आंसर दे सकते हैं, लेकिन सिगरेट और शुगर के बारे में जो आप सोचते हैं ये ह्यूमन बॉडी को हार्म करने में एक जैसे है। शुगर टॉक्सिक और बहुत अनहेल्दी है। ये अपने डेरिवेटिव्स के साथ डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट डिसीज और कैंसर को बढ़ाता है। हर साल एक एवरेज पर्सन अपने खुद के वेट के बराबर या उससे ज्यादा शुगर कंज्यूम करता है। प्रोसेस्ड फूड्स में शुगर ऐड करना हमेशा अननेसेसरी होता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे हेल्दी फूड्स में ये पहले से ही नेचुरल शुगर होती है जैसे वे है। ये तो शुगर ऐड की जाती है, वो केवल आपके फूड को एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए की जाती है। इसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है और ये हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया है कि शुगरी ड्रिंक्स की वजह से हर साल 1,80,000 डेथ्स होती है। 1,80,000 डेथ्स। कुछ न्यूट्रिशनिस्ट भी शुगर को कैंसर सेल्स के लिए कैंडी कहते हैं, क्योंकि ये उम्र बढ़ाती है और इन्फ्लेमेशन को तेज करती है जिससे कि ट्यूमर की ग्रोथ बढ़ती है। शुगर नशे की लत की तरह है, जिसका मतलब है कि इसे किसी अन्य ड्रग की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए।
इसे कंट्रोल में रखना इंपॉर्टेंट है, जिससे कि ये हमें कंट्रोल ना करे। जब आप शुगर खाते हैं तो आपका दिमाग एक्साइटेड हो जाता है और डोपामाइन को रिलीज करता है, ठीक उसी तरह जैसे कि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो ये होता है। और सिगरेट की तरह जितना अधिक आप शुगर खाते हैं उतना ही आप इसके लिए तरसते हैं, आप इसके लिए एक एक्सेप्टेंस भी बिल्ड करते हैं, इसीलिए आप इसको और ज्यादा खाते हैं जिससे आपको प्लेजरेबल सेंसेशन की फीलिंग हो। इस अब्यूज के साइकिल से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले तो मीठा खाने की आदत ना डाले, दूसरे शुगरी प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स को यूज करें, जैसे अगेव नेक्टर, एस्पार्टेम, डेक्सट्रोज, फ्रुक्टोज, कॉर्न सिरप और यहाँ तक कि हनी भी। ये फूड प्रोडक्ट्स शुगर की तुलना में हेल्दी हो सकते हैं, लेकिन ये अभी भी आपको मीठा खाने के लिए उकसा सकते हैं। चैप्टर 6। एक अच्छी नींद के लिए क्वांटिटी जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी क्वालिटी भी है। क्या आपने कभी 9 या 10 घंटे सोने के बाद भी टायर्ड फील किया है? नींद एक इंस्टिंक्टिव एक्ट है और हम सभी इसे करते हैं, लेकिन इसमें अभी भी बहुत कुछ है जिसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी हेल्थ का एक फंडामेंटल पार्ट है। इसलिए एफिशिएंटली सोना बहुत जरूरी है। एफिशिएंट स्लीप वो टाइम होता है जब आप वास्तव में सो रहे होते हैं और बेड में सिर्फ उछलना और मुड़ना नहीं। कुछ लोग 9 घंटे तक बेड पर लेटे रहते हैं लेकिन वे केवल 5 घंटे की असली नींद ले पाते हैं। रैपिड आई मूवमेंट REM नींद का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये तब होता है जब आपका ब्रेन आपके थॉट्स और मेमोरीज को प्रोसेस कर रहा होता है और उन्हें आपके पर्सपेक्टिव में सेट कर रहा होता है। REM स्लीप आपकी डिफिकल्ट या ट्रॉमेटिक इवेंट्स पर काबू पाने में भी अपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छी REM स्लीप पाने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज है जिन्हें यूज किया जा सकता है। सबसे पहले अपने स्नूज बटन के यूज को लिमिट करने की कोशिश करें। हम में से सभी सुबह अपने आप को एक एक्स्ट्रा आर या हाफ आर की नींद लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपकी नींद हर 5 मिनट में टूट जाती है तो ये एक्स्ट्रा स्लीप यूजफुल नहीं होती है। तो लेटेस्ट पॉसिबल टाइम पर उठने के लिए अपना अलार्म सेट करें। अपने आप को जितना हो सकता है उतना सोने दे। बेड पर जाने से पहले अपने आप को आर्टिफिशियल लाइट के एक्सपोजर से भी दूर रखें। आर्टिफिशियल लाइट आपके मेलाटोनिन पर नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, जो आपकी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए यदि आप बेड पर जाने से पहले कुछ सुनते हैं तो डीम लाइट का यूज करें और कोशिश करें कि आप सोने से ठीक पहले टीवी ना देखें या कंप्यूटर पर ना जाएं। एक अच्छी रात की नींद आपकी हेल्थ को कई तरह से इंपैक्ट करती है। वास्तव में रिसर्च से पता चला है कि कम स्लीप एफिशिएंसी वाले लोगों को एफिशिएंट स्लीपर्स की तुलना में 5.5 टाइम्स यानी कि 5.5 गुना कोल्ड होने के चांसेस होते हैं। इस बुक समरी का निष्कर्ष, हेल्दी रहना केवल एक डिसीजन नहीं है, ये रोजाना के दर्जनों छोटे छोटे डिसीजन से बनता है। आपको शेप में आने और लॉन्ग और हेल्दी लाइफ जीने की चांसेस को बढ़ाने के लिए खुद को रीइन्वेंट नहीं करना है। ज्यादा प्रोटीन खाने से शुरू करें, एक्स्ट्रा शुगर या कार्बोहाइड्रेट से बचें, इनएक्टिविटी को लिमिट करें और जब भी आप कर सकते हैं तो लिफ्ट की जगह स्टेयर्स यूज करें। फाइनली एफिशिएंट नींद ले और इंश्योर करें कि ये सही तरह की नींद हो। एक साथ किए गए बहुत सारे छोटे चेंजेस एक बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। एक्शनेबल एडवाइस, डार्क और वाइब्रेंट कलर्स वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं। हेल्दीएस्ट फूड्स को जानने का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन डार्क वाइब्रेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना एक अच्छा रूल है। ग्रीन कलर वाला कुछ भी खाएं, जैसे कि ब्रोकली, स्पिनच, केल या कुकुम्बर्स। लाल और नीले फ्रूट्स जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरीज और रास्पबेरीज भी हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।